नमस्कार। पीडियाट्रिक्स के इस नए लेक्चर में अब हम लोग बात करेंगे नियोनेटल ज्वाइंटिस के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे नियोनेटल ज्वाइंटिस की कंडीशन, इसके पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वेरिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नियोनेटल ज्वाइंटिस के बारे में हमें डाउट कैसे होगा। अगर बेबी का स्किन येलो है, येलो आईज है, स्क्लेरा है, स्लीपीनेस है, पुअर फीडिंग है, ब्राउन यूरिन है, फीवर है, हाई पिच क्राई है, वॉमिटिंग कर दे रहे हैं, तो ऐसे मामले न्यूनेटल ज्वाइंटिस से रिलेटेड हो सकते हैं। अभी हम आपसे बात करेंगे न्यूनेटल ज्वाइंटिस में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वेरिएंट्स की। सबसे पहले क्राइटेरिया ऑफ न्यूनेटल ज्वाइंटिस क्या होता है। जब टोटल सीरम बिलिरुबिन 3 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो हम इसे न्यूनेटल ज्वाइंटिस कहते हैं। एडल्ट में इसका क्राइटेरिया कम होता है, 2 mg पर डेसीलीटर होता है। न्यूनेटल ज्वाइंटिस कहने के लिए 3 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा टोटल सीरम बिलिरुबिन का लेवल होना चाहिए। अगर न्यूनेट्स में 2 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा लेवल है तब हम क्लिनिकल हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कंडीशन कहते हैं। तो न्यूनेट्स में ज्वाइंटिस को के अपीयरेंस को फील करने के लिए, देखने के लिए एटलीस्ट 5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा जब टोटल बिलिरुबिन हो जाएगा, टोटल सीरम बिलिरुबिन जब 5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाएगा तभी हम इसे देख सकते हैं। यह सिफेलो काउडल डायरेक्शन में, जैसे जैसे बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है सिफेलो काउडल डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। इनडायरेक्टली हम अनुमान लगा सकते हैं अगर हमें पता चल जाए कि कहां तक येलोइशनेस है, तो क्रैमर्स इंडेक्स की मदद से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बिलिरुबिन का लेवल होगा। आप देखें क्रैमर्स इंडेक्स फेस के लेवल तक अगर है, फेस के लेवल तक है तो 5 mg पर डेसीलीटर तक, अपर ट्रंक तक पहुंच गया यानी सेगमेंट 2 तक पहुंच गया है यानी अपर ट्रंक में है, तो 5 mg की बजाय 10 mg पर डेसीलीटर अब हो चुका होगा। इसके बाद लोअर ट्रंक और थाइस तक पहुंच गया है यानी ये 12 mg पर डेसीलीटर तक बिलिरुबिन का लेवल है। आर्म्स में फैल गया है, आर्म्स में फैल गया है और लोअर लिम्स में फैल गया है, आर्म्स में और लोअर लिम्स तक पहुंच गया है तो 15 हो गया है, और पाम एंड सोल्स तक पहुंच गया है वहां तक इसका डिफ्यूजन है तो 15 से ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल हो चुका होगा। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चलता है कि ज्वाइंटिस को विजुअली इंस्पेक्ट करके भी हम अनुमान लगा सकते हैं। हम नेकेड आई से ब्राइट लाइट में या नेचुरल लाइट में देखते हैं और स्क्लेरा गम्स और ब्लैंच्ड स्किन के मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं कहां तक येलोइशनेस है और उसका एक्सटेंट कहां से कहां की ओर जा रहा है। आमतौर पर फेस से नीचे की ओर बढ़ता हुआ सिफेलो काउडल डायरेक्शन में ये एक्सटेंड करता है। इसके लिए क्रैमर इंडेक्स दिया गया है, मैंने अभी आपको बताया फेस के लेवल तक है तो 5 mg पर डेसीलीटर तक, अपर ट्रंक के हिस्से में है तो 10 mg पर डेसीलीटर तक, लोअर ट्रंक एंड थाई तक पहुंचा तो 12 mg पर डेसीलीटर तक, और आर्म्स में साथ ही साथ लोअर लेग्स में है तो ये 15 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच चुका होता है। इसके साथ ही साथ पाम एंड सोल्स तक अगर पहुंच जाए तो मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर इसका लेवल हो चुका होता है। तो इस तरीके से क्रैमर इंडेक्स की मदद से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिलिरुबिन का लेवल कितना होगा, ये विजुअल इंस्पेक्शन की मदद से अनुमान लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि ज्वाइंटिस के कितने टाइप्स हैं। ज्वाइंटिस के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस जो कि जन्म के 24 आवर्स के बाद ही डेवलप होगा, इसके अगेंस्ट पैथोलॉजिकल ज्वाइंटिस विद इन 24 आवर्स डेवलप हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं फिजियोलॉजिकल जो ज्वाइंटिस के कारण हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फिजियोलॉजिक ज्वाइंटिस कब होगा, कैसे होगा, कितने लेवल तक होगा उसको देखें। तो फिजियोलॉजिक ज्वाइंटिस ये 24 आवर्स के बाद डेवलप होता है। इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 4th एंड 5th डे टर्म बेबीज में, 7th डे प्री टर्म बेबीज में होता है। टोटल सीरम बिलिरुबिन का लेवल विद इन नॉर्मल सेंटाइल फॉर एज इन आवर्स बेस्ड ऑन नैनो नॉर्मोग्राम। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि 2 वीक्स के बाद तो कभी भी फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस नहीं मिलेगा, ये
बिना किसी ट्रीटमेंट के समाप्त हो जाते हैं, घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर विद इन 24 आवर्स ऑफ एज, आमतौर पर ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो रखना ही होता है, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और फोटोथेरेपी की जरूरत प्लस माइनस रहती ही है। फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा, लेकिन इतना भी हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए इसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सोचते हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल ज्वाइंटिस जो होते हैं, ये जन्म के 24 आवर्स के भीतर ही डेवलप हो जाएंगे। इसमें बिलरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर पर डे की रेट से, यानी बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका रेट मोर देन 0.2 mg पर डेसीलीटर पर आर से भी ज्यादा हो सकता है। इसके बढ़ने का रेट 0.2 mg पर डेसीलीटर पर आर से भी ज्यादा होगा। और सीरम बिलरुबिन मोर देन 95% फॉर एज इन आर्स बेस्ड ऑन नॉर्मोग्राम। अब ज्वाइंटिस 14 डेज से आगे तक ये परसिस्ट करेगी, इवन फुल टर्म बेबीज में। स्टूल क्ले व्हाइट कलर्ड होते हैं, यूरिन इतना ज्यादा कलर्ड होता है कि ये कपड़ों को भी येलो कलर का रंग देता है। डायरेक्ट बिलरुबिन इसमें बढ़ा हुआ होगा 2 mg पर डेसीलीटर, या फिर टोटल सीरम बिलरुबिन का 20% से भी ज्यादा यहां पर डायरेक्ट बिलरुबिन का लेवल होता है। अब समझने की ये भी कोशिश करते हैं कि ज्वाइंटिस न्यूबॉर्न बेबीज में होता क्यों है, क्या नॉर्मली यहां पर होता है जो कुछ ज्यादा हो जाने की वजह से ज्वाइंटिस क्रिएट कर देता है। तो रेड ब्लड सेल्स वो आमतौर पर डाई होते हैं, आप जानते हैं नॉर्मल ये हम ज्वाइंटिस की जो स्टेप्स हैं उसको पहले से हमारी जानकारी में है कि आमतौर पर भी रेड ब्लड सेल्स अपने लाइफ टाइम के बाद ब्रोकन डाउन होते हैं और ये एक बिलिरुबिन बनाते हैं, येलो पिगमेंट। बिलिरुबिन ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता, ये भी पता है। बिलिरुबिन लीवर में जाकर के सॉल्युबल हो पाता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसे कहते हैं, और ये सॉल्युबल प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है, एक्सक्रीट किया जाता है। लेकिन जब न्यूनेटल ज्वाइंटिस की हम बात करते हैं, क्या होता है जब बेबी में ज्वाइंटिस होता है, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत अचानक से टूटते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में बिलिरुबिन बनता है। बिलिरुबिन बड़ी संख्या में बना लेकिन लीवर उतना अभी मैच्योर नहीं है, बिलिरुबिन की प्रोसेसिंग कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, इसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, ये फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस का कारण होता है। बहुत कम ही बिलिरुबिन बॉडी से बाहर निकल पाता है, एक्सेस अनप्रोसेस्ड यानी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये बॉडी के किसी भी हिस्से में जाकर जमा हो सकते हैं, आमतौर पर स्किन और आईज को ये येलो कर देते हैं। एक और इमेज के माध्यम से बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए होता कुछ इस तरीके से है कि बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन के टूटने से हीम से बिलिरुबिन बना। बिलिरुबिन ब्लड के द्वारा ट्रेवल करते हुए एल्ब्यूमिन से चिपक करके ये आगे बढ़ता है, यह सॉल्युबल नहीं होता। एल्ब्यूमिन की मदद से ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के हिपेटोसाइट्स तक पहुंचता है। हिपेटोसाइट्स अब इसे सॉल्युबल बनाने की कोशिश करते हैं, इसे लेते हैं और इसे कॉन्जुगेट करेंगे, जिसके कारण कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा जो सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर में पहुंचता है। गॉल ब्लैडर से ये इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ने इन्हें ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसको यूरोबिलिनोजन में बदला, जो कि पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा वापस रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है। यूरोबिलिनोजन जो बैक्टीरिया ने तोड़ करके बनाया उसमें से कुछ मात्रा तो फीकल मैटर के द्वारा आ जाएगा, लेकिन यहां से यूरोबिलिनोजन जो बना है वो वापस लौट आता है, यूरोबिलिनोजन, और ये किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है। देखिए ये ग्रीन ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये यूरोबिलिनोजन है जो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाएगा। वहीं आप देखेंगे कॉन्जुगेटेड जो फॉर्म था ये गॉल ब्लैडर से होते हुए नीचे की ओर उतरा। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन है ये डायरेक्टली भी यहां से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी लीवर से होते हुए यहां पर ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए किडनी के द्वारा पास किया जा सकता है। अनकॉन्जुगेटेड की प्रॉब्लम यह है कि यह सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में लंबे समय तक बना रहता है।
अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होगा, आप देखिए अनकॉन्जुगेटेड जो फॉर्म जो अंदर नहीं लिया जा सका वो लगातार ब्लड में घूमता रहता, जबकि कॉन्जुगेटेड वाला बन गया एक बार कॉन्जुगेटेड तो वो या तो गॉल ब्लैडर के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, यूरोबिलिनोजन के रूप में अपने आप को डिग्रेड हो जाएगा, या फिर ये यहीं से रीअब्जॉर्ब अगर ब्लड में हुआ कॉन्जुगेटेड डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब हुआ या फिर यूरोबिलिनोजन के रूप में रीअब्जॉर्ब हुआ तो भी ये ब्लड के सर्कुलेशन में घूमते टहलते किडनी तक पहुंचते हैं और किडनी से आसानी से बाहर हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वहीं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये लंबे समय तक ब्लड के सर्कुलेशन में घूमता रहता है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजिकल ज्वाइंडिस क्यों हुआ, पैथोलॉजिकल ज्वाइंडिस से इसको कैसे अलग करेंगे। फिजियोलॉजिकल ज्वाइंडिस जो अचानक से आरबीसी के टूटने की वजह से हुआ, इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इसमें बढ़ा हुआ होता है। पैथोलॉजिकल इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अनकॉन्जुगेटेड, इसको अभी रट लीजिएगा, मैं बताऊंगा क्यों यहां पर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ये किसी न किसी पैथोलॉजिकल कारण से जुड़ा हुआ है, जबकि फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें अचानक से बढ़ा, लीवर अभी मैच्योर नहीं हुआ कि वो उसे कॉन्जुगेट कर सके, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा डिग्रेडेशन पहले दिन पर नहीं होगा, कभी भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल डे वन पर नहीं बढ़ेगा, जबकि पैथोलॉजिकल ज्वाइंडिस पहले दिन भी प्रेजेंट कर सकता है, ये डे वन पर भी मिल सकता है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस को थोड़ा सा स्ट्रेस करें तो ये डे 8 तक परसिस्ट कर सकता है टर्म चाइल्ड्स में और डे 14 तक प्री टर्म चाइल्ड में पहुंच जाएगा। प्री टर्म चाइल्ड में मैक्सिमम 14 डेज तक ये परसिस्ट करेगा, अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है। टर्म चाइल्ड में एक हफ्ते के भीतर, प्रीटर्म चाइल्ड में दो हफ्ते के भीतर, लेकिन पैथोलॉजिकल ज्वाइंडिस ही होगा जो 2 वीक्स से आगे बढ़ जाता है। पैथोलॉजिकल ज्वाइंडिस 2 वीक्स मोर देन 14 डेज ये बढ़ सकता है, ये पैथोलॉजिकल ज्वाइंडिस है। रेट ऑफ राइज भी थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस पैदा करता है। आपको बताया था मैंने फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस होगा तो 5 mg पर डेसीलीटर पर डे के रेट से ये बढ़ेगा, जबकि पैथोलॉजिकल बहुत तेजी से राइज करता है, मोर देन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे बहुत तेजी से बढ़ेगा। या फिर मैंने ये भी बताया था पैथोलॉजिकल 0.2 mg पर डेसीलीटर पर आर के रेट से भी राइज कर सकता है, दो हमारे पास गाइडलाइन है। अब सवाल ये भी कि बिलिरुबिन बना कैसे, कहां से बना, तो मैंने आपको बताया था ना फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस के मामले को समझाते हुए मैंने बिलिरुबिन कैसे बनेगा उसको बताया। मैंने आपको बताया कि हिम डिग्रेड होता है जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के रूप में ट्रेवल करता है ब्लड से होते हुए ये लीवर तक पहुंचता है। लीवर में UGT1A1 एंजाइम पाया जाता है जो इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देता है। लीवर तक पहुंचने के लिए ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ चिपक करके पहुंचता है। मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब ब्लड के रूट से या फिर कहीं पर वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, इस वजह से गॉल ब्लैडर के द्वारा ये सिक्रीट होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। यहां इंटेस्टाइन में बीटा ग्लूकोरोनाइडेज इस बिलिरुबिन के ग्लूकोरोनिक एसिड को रिमूव कर देता है। तो आप देखेंगे कि हिम के ब्रेकडाउन से विलिवर्डिन, ये मैंने नहीं बताया लेकिन आपको पता होना चाहिए, अल्टीमेटली बिलिरुबिन बना। बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होता है लीवर में और बाइल डक्ट के रास्ते ये पहुंचा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में ये यूरोबिलिनोजन या फिर स्टर्कोबिलिनोजन में बदल जाता है, जो आगे चल करके स्टर्कोबिलिन या फिर यूरोबिलिन में बदलेगा। तो ग्लूकोरोनिक एसिड इसमें रिमूव किया गया बैक्टीरिया के द्वारा, जिसके कारण ये यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबिलिनोजन में बदल गया, ये वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है और कुछ मात्रा तो इसकी फीकल मैटर में चला जाएगा लेकिन कुछ मात्रा इसके पोर्टल वेन्स के द्वारा वापस ले लिया जाता है। वापस लिए जाने पर यूरोबिलिनोजन किडनी के रास्ते से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब देखिए यहां से यूरोबिलिनोजन पोर्टल वेन फिर यहां से ये होते हुए पहुंच जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लीवर के लेवल पर ग्लूकोरोनिक एसिड जोड़ा गया, वहां पर क्या किया गया, ग्लूकोरोनिक एसिड जोड़ करके इसे कॉन्जुगेट किया गया था। अब देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेट होता है ग्लूकोरोनिक एसिड के द्वारा, जिसके द्वारा इसका कॉन्जुगेशन होता है। जब ये
कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नीचे की ओर पहुंचता है तो इसका अनकॉन्जुगेशन होता है, जो ग्लूकोरोनिक एसिड से इसका जुड़ाव था उसे हटा दिया जाता है। यह बीटा ग्लूकोरोनाइडेजिस एंजाइम के द्वारा होता है जो इसे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदल देता है, जो वापस पोर्टल वेन के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, लीवर तक भेज दिया जाता है। इसी में बैक्टीरिया और क्या काम करती है, इसे बदल देती है। बैक्टीरिया इसको स्टर्कोबिलिनोजन में बदल देती है या यूरोबिलिनोजन में बदल देती है। तो स्टर्कोबिलिनोजन या फिर यूरोबिलिनोजन में अगर बदल दी तो ये एक ऐसा फॉर्म होगा जो स्टर्कोबिलिनोजन या यूरोबिलिनोजन जैसा जो फॉर्म होता है वो वापस ब्लड के रास्ते, यूरोबिलिनोजन मैंने आपको बताया था या स्टर्कोबिलिनोजन के जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है, वो किडनी के रास्ते एक्सक्रीट किया जाएगा। सवाल यह भी कि कॉजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल ज्वाइंडिस, फिजियोलॉजिकल ज्वाइंडिस का कारण क्या होता है। यह आरबीसी के डिक्रीज लाइफ स्पैन की वजह से होता है। आप जानते हैं कि लाइफ स्पैन आरबीसी की कम होती है, इस वजह से अचानक से ऐसा संभव है। जन्म के तुरंत बाद आरबीसी टूटते हैं और आरबीसी का लाइफ स्पैन चिल्ड्रंस में 90 डेज के आसपास होता है। अगर इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो तो भी संभव है कि आरबीसी ज्यादा बेहतर नहीं होंगे तो जल्दी टूटेंगे। इसके अलावा UGT1A1 एक्टिविटीज जब घट जाती है, और आप जानते भी हैं कि लीवर उतना मैच्योर नहीं होता है, इसके कारण कंजुगेशन नहीं हो पाता है, इसके कारण बॉडी से वॉश आउट करने में दिक्कत आती है, तो UGT1A1 का लेवल अगर कम है, डिक्रीज लेवल है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि फिजियोलॉजिकल ज्वाइंडिस में मिलता है वो ब्लड में सॉल्युबल मींस ब्लड से बाहर निकल नहीं पाएगा, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए लंबे समय तक ब्लड में लेवल उसका बना रहता है। कॉन्जुगेशन के बाद सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आप समझ सकते हैं कि डिक्रीज लेवल ऑफ UGT1A1 एक्टिविटीज होने के कारण, आपको बता दें कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज हमारे बॉडी की होती है UGT1A1 की, डे वन पर लीवर इतना इमेच्योर होता है कि वो केवल 1% ही अपनी एक्टिविटीज दर्शाता है, इसीलिए दूसरे तीसरे चौथे दिन तक फिजियोलॉजिकल ज्वाइंटिस डेवलप होता है जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि UGT1A1 की एक्टिविटीज डिक्रीज होती है। इतना ही नहीं, अगर इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ा हुआ रहे तो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद दोबारा ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बदल जाते हैं जो वापस रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। स्पष्ट है कि इंक्रीज्ड इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन इसका एक कारण हो सकता है। अब एक सवाल यह भी कि ज्वाइंडिस जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एसोसिएटेड हो, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एसोसिएटेड ज्वाइंडिस की कंडीशन, यानी ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंडिस वर्सेस ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंडिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंडिस और ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंडिस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंडिस थर्ड फोर्थ डे ऑफ लाइफ पर शुरू होता है, ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंडिस, ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंडिस एक अलग चीज है। इसमें कम ब्रेस्ट मिल्क पीने के कारण फीकल मैटर ज्यादा नहीं बनता, फीकल मैटर ज्यादा नहीं बनता तो जो भी इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन, चूंकि जो फीकल मैटर है वो इंटेस्टाइन में रुका रहता है जिसके कारण इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन बार बार बढ़ता रहता है, तो ऐसे मामलों में हम फ्लूइड और कैलोरिक सप्लीमेंटेशन देते हैं। चूंकि खाना कम खा रहा है इसके कारण इंटेस्टाइन से फीकल मैटर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये इंट्रो हिपेटिक सर्कुलेशन बार बार रिपीट होने के नाते ऐसा ज्वाइंडिस है। ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंडिस जो कि ऑन डे फोर ये बढ़ता है, हो सकता है मैक्सिमली ये 20-30 mg पर डेसीलीटर तक पहुंच जाए ऑन डे 14, और उसके बाद धीरे धीरे घटता है। यह नॉर्मल होने में 4-12 वीक्स तक का समय लेता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत क्लियर तो नहीं है, प्रॉब्ली यह बीटा ग्लूकोरोनाइडेज ब्रेस्ट मिल्क में जो पाया जाता है वो इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ाता रहता है, इसी वजह से इसमें नॉर्मल फंक्शन, लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल मिलता है। ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंडिस जो कि बीटा ग्लूकोरोनाइडेज ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने के कारण हो रहा है, इसके कारण इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसमें आप समझ सकते हैं कि इंट्रो हेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा और इसमें हिमोलिसिस जैसी कोई बात नहीं होती है। जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दिया जाता है बिलिरुबिन का लेवल 48 आवर्स में घट जाता है और
यह 2 to 4 mg per deciliter तक बढ़ सकता है अगर रिज्यूम किया जाए, लेकिन उसके बाद ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। तो हमारे पास दो टर्म है, ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस और ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस। एक ब्रेस्ट फीडिंग कम कराए जाने की वजह से, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकोरोनाइडेज की एक्टिविटीज होने की वजह से ज्वाइंटिस हो रहा है। तो चलिए तेजी से रिकॉल कर लेते हैं ज्वाइंटिस एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट मिल्क। यह सब एक तो होता है ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस, ब्रेस्ट फीडिंग कम हो रहा है, यानी मदर ने कम फीडिंग करा रही है, सब ऑप्टिमल फीडिंग हो रहा है, मदर कम दूध पिला रही है, जिसके कारण समस्या होती है, जिसके कारण दिक्कत होती है, या शुरुआती फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि दूध कम पी रहा है बेबी, तो फीकल मैटर कम बनेगा, फीकल मैटर कम बनेगा तो फीकल मैटर वहीं रुका रहेगा, पास नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है इंटेस्टाइन में, बैक्टीरिया या फिर जो भी आप समझ लें, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो वहां पर बनेगा, वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन के द्वारा बार बार रिपीट करते हुए ये रीसर्कुलेट होता रहता है। बात समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट फीड ना कराने के कारण, सॉरी सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीड कराने के कारण स्टूल नहीं बन रहा है, तो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वहीं पर पड़ा हुआ है, जिसके कारण इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन की साइकिल बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मामलों में जहां ब्रेस्ट फीड सब ऑप्टिमल है, उसमें सबसे पहले तो हम कहेंगे मां से कि वो ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, क्योंकि ऐसे मामले मैंने आपको बताया था ना, सेकेंड थर्ड डेज में इसकी समस्या डेवलप हो जाती है, डे टू डे थ्री मैक्सिमम फोर्थ डे तक ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। और एक चीज इसी से मिलता जुलता जो ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस होती है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकोरोनाइडेज की एक्टिविटीज होने के नाते ज्वाइंटिस जो होते हैं वो डे फोर पर होते हैं। अभी मैंने आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताया था ना, उसमें ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है, लेकिन मदर के ब्रेस्ट में आपको पता ना बीटा ग्लूकोरोनाइडेज का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण इस तरीके की समस्या होती है। तो क्या हुआ, अगर ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस है तो अचानक से लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर देंगे 48 आवर्स के लिए, और उसके बाद बिलिरुबिन का लेवल घट जाएगा। कहां पर, ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस के मामलों में, क्योंकि मदर के ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकोरोनाइडेज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ा हुआ होता है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कम नहीं हो रहा है, पर्याप्त हो रहा है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकोरोनाइडेज की लेवल बढ़े हुए होने के कारण, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस इसका नाम रखा गया है। अभी हम लोगों ने देखा ना ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस और ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस, जो कि अलग अलग मामले हैं, इसमें लंबे समय तक बना रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे घटता है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस थर्ड और फोर्थ डे पर ही हो जाएगा। एक में डिक्रीज मिल्क इनटेक है, दूसरे में इनटेक से लेना देना नहीं है, यहां पर बीटा ग्लूकोरोनाइडेज की एक्टिविटीज की वजह से, जिसमें लीवर का फंक्शन नॉर्मल होना के बावजूद आपको पता है कि ये ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकोरोनाइडेज का लेवल जो बढ़ा हुआ उसके कारण समस्या है। तो जहां पर ब्रेस्ट मिल्क कम ले रहा है बेबी, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस वाले जो मामले हैं, उसमें फ्लूइड या ब्रेस्ट फीड अच्छी तरीके से कराना है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस वाले मामलों में ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा देना है, और देखेंगे कि बिलिरुबिन का लेवल 48 आवर्स में अचानक से गिरेगा और दोबारा बढ़ता है, लेकिन उतना लेवल तक नहीं बढ़ेगा।